डॉक्टर प्रवीण भाटिया, सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे है। इस दिन पूरी दुनिया को अवेयरनेस करवाया जाता है टीबी की बीमारी के बारे में। टीबी क्या होती है? बेसिकली टीबी एक बहुत ही छोटे से जर्म होता है, माइक्रो बैक्टीरिया कहते हैं। जब वो शरीर के अंदर घुस जाता है, एंट्री करता है, इन्फेक्शन करता है, तो टीबी का रोग हो जाता है। और टीबी की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। टीबी की रोकथाम के लिए बेसिकली हमें अपनी हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो इन्फेक्शन की एंट्री बॉडी में नहीं होगी। और अपने हाथ की सफाई रखनी है और अपने चारों तरफ अच्छी हाइजीन रखनी है। अगर एक बार टीबी का संदेह जब होता है तो उसकी निशानियाँ क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अगर किसी भी व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय तक बुखार रहता है, खांसी रहती है, बलगम है, या बलगम के साथ खून आ रहा है, या बिना किसी कारण के वेट कम हो रहा है और भूख नहीं लग पा रही है, 3 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद अगर ये सिम्टम्स रहते हैं तो टीबी की बीमारी का संदेह होना चाहिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर टीबी का डायग्नोसिस कंफर्म होता है तो हमें टीबी के कोर्स कंप्लीट करना है। सरकार द्वारा नेशनल ट्यूबर क्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं और इन प्रोग्राम्स के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डॉक्टर्स और बहुत सारी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, एनजीओ जुड़ी हुई हैं, जो कि इलाज में मदद करती हैं। टीबी की एक बार डायग्नोस होने के बाद इसका ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट करना चाहिए। मोस्टली ये देखा गया है कि जब दवाई शुरू करते हैं और पेशेंट के सिम्टम्स 1 महीने बाद जब कम होते हैं तो बहुत से मरीज दवाई बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि दोबारा टीबी होगी, दोबारा दवाई शुरू करनी पड़ेगी। जो नॉर्मल जो आम दवाइयाँ होती हैं उसके लिए काम नहीं करती हैं, उन दवाइयों का रेजिस्टेंस हो जाता है, हमें कुछ स्पेशल मेडिसिन देनी पड़ती है। एक चीज़ का हमें जरूर ध्यान रखना है कि जब भी टीबी की बीमारी का डायग्नोसिस बनता है तो हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है और टीबी का कोर्स पूरा करना है। और हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि हमको इस देश से टीबी को खत्म करना है। धन्यवाद।